Hello, dear learners. I, your educator, Himani Joshi, welcome you to the Arpita Sharma classes. In this class, we are going to cover up modern Indian history through our crash course. Before moving ahead, there are certain announcements to be made. Subscribe to Arpita Sharma YouTube channel for daily Hindu news analysis, polity classes, prelims questions, strategy classes for UPSC and lots more. If you want to get PDF of all the classes, join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease to get the PDF of the notes. Arpita ma'am also take classes on Unacademy Plus. Use code SHARMAYT10 to avail 10% extra off. Till now we have covered up 9 chapters. This is our 10th chapter, that is Revolutionary Activities. Ab ye jo chapter hai Revolutionary Activity, ye pura ka pura base hai. ईयर्स पे, इवेंट पे, प्लेसेस पे, आपको सब याद रखना है कि कौन से ईयर पे टेक प्लेस हुआ था, कौन से रिवॉल्यूशनरी ने लीड किया था, क्यों लीड किया था और इसमें किसको किल किया गया था और इंडियन रिवॉल्यूशनरीज को क्या क्या पनिशमेंट मिली गई थी. ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है. सो लेट्स मूव अहेड. हमारा जो पहला रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी है वो टेक प्लेस हुआ है इन द ईयर 1897. ठीक है, इसे कहते हैं चपाकर ब्रदर्स केस. अब इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. क्या है, इसमें तीन भाई हैं, दामोदर, बालकृष्ण एंड वासुदेव चापकर. इन्होंने क्या किया है, शूट किया है WBC रैंड, जो कि ICS चेयरमैनशिप है स्पेशल प्लाक कमीशन की. ठीक है, अब क्या हुआ था, स्पेशल प्लाक कमिटी बनाई गई थी इन द ईयर 1897 पुणे में, क्योंकि पुणे जो था वो उस दौरान ये डिसीज से बहुत ज्यादा सफर कर रहा था. तो इन्होंने इसे किल किया, शॉट किया रैंड को. अब रैंड के साथ उनके जो लेफ्टिनेंट एरिस थे वो तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, बट रैंड को क्या कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा वुंड लगे थे, जख्म बहुत थे. तो उनकी डेथ जो है वो 3 to 4 डेज के बाद टेक प्लेस हुई. ठीक है, तीन ब्रदर्स ने किल किया था इन्हें. अब क्यों किल किया था, क्योंकि प्लाक कमीशन के तहत जो कि एंडेमिक चल रहा था 1897 में, इस बार का जो एंडेमिक है वो COVID-19 है. इससे पहले भी ये एंडेमिक हुआ था, उसमें ब्रिटिशर्स का बेसिकली ये एम था, मोटो था कि ये सारे एंडेमिक को रोका जाए. ठीक है, तो वो इंडियंस को उन्होंने एक तो एम्प्लॉय करना बंद कर दिया, जॉब देना बंद कर दिया, दूसरा वो इंडियंस को बहुत ज्यादा हैरस कर रहे थे. तो ये हैरेसमेंट उनसे देखा नहीं गया, तो तीनों ब्रदर्स ने इन्हें किल किया. ठीक है, अब किल करने के बाद वो ऑफिसर की तो डेथ हो गई, तो इन तीनों को भी फिर फांसी की सजा सुनाई गई थी. ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस था. सेकंड केस जो है वो है अलीपुर बॉम्ब केस, जो कि 1908 में टेक प्लेस हुआ है. ठीक है, इसे हम मुराकेपुर या मैनेकोटॉल केस भी कहते हैं. अब इसमें हुआ क्या था कि मुजफ्फर इलाके में ब्रिटिश का एक कैरियर जा रहा था. ठीक है, उस पे उन्हें बॉम्ब फेंकना था. अब बॉम्ब में इनके टारगेट जो थे वो थे डॉगलास किंग्सफोर्ड. अब ये जो डॉगलास किंग्सफोर्ड थे वो इतने फेमस मैजिस्ट्रेट नहीं थे. ठीक है, बट स्टिल ये इनके हिट टारगेट में थे. अब ये रिवॉल्यूशनरीज को एक्टिविटी को किसने लीड किया था, कौन से रिवॉल्यूशनरीज ने, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस. ठीक है, अब हुआ यूं था कि जिस दिन इनको ये बॉम्ब फेंकना था, चैरियट पे इन्होंने टारगेट किया, उस दिन चैरियट में इन्होंने बॉम्ब तो फेंक दिया, पर वो बॉम्ब में किंग्सफोर्ड नहीं थे, दो लेडीज थी. तो वो दोनों लेडी ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई. अब डेथ के बाद क्या पनिशमेंट मिली इन्हें, चाकी जो था वो तो उन्होंने सुसाइड कर लिया. ठीक है, एंड बोस को फांसी की सजा सुनाई गई. इसके अलावा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो थे अरबिंदो घोष, उनके ब्रदर बारिन घोष, कन्हैयालाल दत्त एंड सत्येंद्रनाथ बोस. ठीक है, ये सारे मेंबर थे अनुशीलन समिति के. अब ये अनुशीलन समिति जो है वो कलकत्ता में बनाई गई थी बंगाली रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा. ठीक है, इनका मेन मोटो यही था कि ये नेशनल अवेयरनेस क्रिएट करे, कि लोगों को पता पड़े कि आपको जागृत होना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप फेसिंग द टॉर्चर फ्रॉम ब्रिटिशर्स. अरबिंदो घोष को बाद में छोड़ा गया क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिले, बाकी सबको इम्प्रिजन किया गया था.
नेक्स्ट कम कर्जन वैली असैसिनेशन केस, जो कि यह 1909 में टेक प्लेस हुआ। अब ये जो शुरुआत हुई थी इसकी लंदन में, लंदन में एक इंडियन हाउस कमेटी है, ठीक है। इंडियन हाउस कमेटी के फाउंडर्स कौन थे? श्यामजी कृष्णा वर्मा एंड मैडम बिकाजी कामा, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, सबसे पहले यहाँ पे यूथ को वो ट्रेन करने लगे। ट्रेन कैसे करने लगे, उन्हें बताने लगे कि इंडिया में ये सब हो रहा है, टॉर्चर इतना बेयर कर रहे हैं, तो हमें कुछ रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी शुरू करनी पड़ेगी लंदन में भी ऑन द बिहाफ ऑफ दोस इंडियंस। तो वो यूथ को ट्रेन करने लग गए। अब ये ऑर्गेनाइजेशन में एक थे मदनलाल डिंगरा जी, उन्होंने कर्जन विलाय को किल किया था, ठीक है। और ये जो कि आर्मी ऑफिस होते कर्जन वाली, ठीक है, इसके किल करने के बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये धीरे धीरे लिक्विफाइड यानी कि डाइल्यूट होने लगा। इसका धीरे धीरे नामो निशान चला गया। एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है वो बेसिकली मांडवी के हैं, रिवॉल्यूशनरी, एंड मांडवी में इनका एक मेमोरियल भी बनाया गया है इनके नाम का, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि लंदन में जब इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद इनकी जो अस्थियां थी उन्हें यहाँ लाया गया था, एंड देन इनके नाम का एक मेमोरियल भी बनाया गया है यहाँ पे। एंड मैडम बीकाजी कामा वॉज द फर्स्ट लेडी रिवॉल्यूशनरिस्ट ऑफ आर कंट्री। नेक्स्ट कम हावड़ा गैंग केस, विच वॉज इन द ईयर 1910। इसे हावड़ा सिपुर कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, अनुशीलन समिति के बारे में जब हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब अनुशीलन समिति के इन्वेस्टिगेटरी ऑफिसर थे इंस्पेक्टर श्यामसुल आलम। अब ये क्या करते थे, ये सारे जो भी अब तक मर्डर्स रॉबरी हुई थी वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते थे कि ये सारे जो मर्डर रॉबरी है उसका लिंक है अनुशीलन समिति से, ठीक है। यानी कि इसके अगेंस्ट प्रूफ ढूंढा जा रहा था। तो रिवॉल्यूशनरी ने क्या किया, 47 रिवॉल्यूशनरीज ने, उन्होंने ये इंस्पेक्टर को ही किल कर दिया। इसे हावड़ा सिपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जा रहा है। किल करने के बाद जो इसमें मेन दो रोल आए थे, जितेंद्रनाथ मुखर्जी और नरेंद्र नाथ बटर्जी, इन दोनों को 1 साल की सजा सुनाई गई थी, एंड बाकी सारे रिवॉल्यूशनरीज को छोड़ दिया गया था क्योंकि उनके अगेंस्ट पुलिस को कोई एविडेंस कोई प्रूफ ही नहीं मिला था। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इन द ईयर 1912। अब क्या हुआ था, दिल्ली लाहौर में तब ये वॉइस रॉय थे हमारे इंडिया के लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। ये रिवॉल्यूशनरीज को लीड किया था रश बिहारी बोस ने। अब इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि 1911 एंड 12 के अराउंड इंडिया का जो कैपिटल था उस दौरान कैलकटा से उसको शिफ्ट किया गया था दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट हुआ, लॉर्ड हार्डिंग इनके वाइस रॉय थे, तो उन्होंने सोचा कि सिंस कैपिटल शिफ्ट हो रहा है तो हमें एक पोजीशन निकालना चाहिए, एक जुलूस निकालना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे सारे ऑफिसर्स इनवाइट किए जाएंगे एंड डिग्निटरीज होंगे और हम ऑफिशियली इंडिया का कैपिटल कैलकटा से दिल्ली कर देंगे। तो ये बात का राज बिहारी बोस ने फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, घर पे होममेड बॉम्ब बनाए, ठीक है। और ये होममेड बॉम्ब जो थे उन्होंने सोचा कि ये वाइसरॉय की कैरेज पे थ्रो करेंगे, थ्रो कर दिया उन्होंने। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो इंजर्ड हो गए थे, जबकि इंडियन अटेंडेंट जो उनके साथ थे वो किल हुए थे। बोस जो थे वो तो बच गए, ठीक है, भाग गए, जबकि दूसरों को इसमें पकड़ा गया और उन्हें सजा सुनाई गई इस कॉन्स्पिरेसी के तहत। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश रचना किसी के अगेंस्ट, ठीक है, उसे कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस इन द ईयर 1925। अब ये अटैक जो था वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यूथ ने लीड किया था। इसका फिर नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। अब ये केस की इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है, ये केस जो है अब तक जो भी हो रहा था वो कभी चैरियट पे अटैक किया जा रहा था, कभी उनके सामने, ठीक है, उन्हें सीधा शूट किया जा रहा था, बट ये जो अटैक था वो रॉबरी से रिलेटेड था, मर्डर से रिलेटेड नहीं था। रॉबरी से भी कैसे, ट्रेन से ये रॉबरी चोरी कर रॉबरी कर रहे थे, लूट रहे थे, क्योंकि इन्होंने सोचा कि अब तक ब्रिटिशर्स ने हमारी इतनी सारी वेल्थ ड्रेन कर ली है तो अब हमारा टाइम है, वी नीड टू ड्रेन देयर वेल्थ एज वेल, ठीक है। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशकुल्ला खान,
चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह एंड अदर्स, ठीक है, ये सारे इसमें इन्वॉल्व है। ट्रेन जो है वो काकोरी उत्तर प्रदेश, काकोरी इट्स प्लेस इन उत्तर प्रदेश, वहां से पास हो रही थी, विच वॉज फुल ऑफ वेल्थ, उसको इन्होंने रॉबरी वहां से की, ठीक है, और इसमें जर्मन पिस्तौल भी रखी गई थी, वो भी इन्होंने चोरी की। दोनों सारे रिवॉल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया और उनको कोर्ट में फिर सजा सुनाई गई थी। बिस्मिल खान, लाहिड़ी एंड रोशन सिंह, इनको डेथ की सजा सुनाई गई थी, जबकि बाकियों को इम्प्रिजनमेंट एंड डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन मतलब उनको कहीं और जेल में भेज देना, बेसिकली जिसे काला पानी की सजा भी कहा जाता है। चित्तौंग आर्मरी रेड इन द ईयर 1930, इसे चित्तौंग अपराइजिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सूर्य सेन जो थे वो इसके लीडर थे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि इन्होंने कहा कि रॉबरी नहीं करनी है हमें, मर्डर भी नहीं करना हमें, बस रेड डालनी है, रेड डाल के हमें प्रूफ करना है दैट वी इंडियंस आर समथिंग, ठीक है। तो कैसी शुरुआत की इन्होंने, पहले तो सूर्य सेन थे इसमें, अच्छा ये जो चित्तौंग प्लेस है वो आज की डेट में बांग्लादेश में है। चित्तौंग के साथ चित्तौंग की रेड में सूर्य सेन जो लीड कर रहे थे ये एक्टिविटी, उनके साथ बाकी सारे जो लोग इन्वॉल्व थे वो थे गणेश घोष, लोकेनाथ बाल, प्रीति लता वाटकर, कल्पना दत्ता, अंबिका चक्रवर्ती एंड सुबोध रॉय, दे वर इन्वॉल्व इन दिस, ओके। रेडर्स जो थे उनको आर्म्स तो मिले नहीं, ठीक है, कोई हथियार वगैरह मिले नहीं, तो उन्होंने टेलीफोन एंड टेलीग्राफ की जो वायर्स है उससे कट कर दिया। रेड के बाद सेन ने इंडियन फ्लैग होस्ट किया उनके पुलिस आर्मरी पे। रिवॉल्यूशनरी सारे तो भाग गए, बट कुछ रिवॉल्यूशनरीज को पकड़ा गया जिन्हें अंडमान भेजा गया था, ठीक है, और सेन, सूर्य सेन को पुलिस ने फांसी की सजा सुनाई गई, बट उससे पहले सूर्य सेन को बहुत ही ज्यादा ब्रूटल टॉर्चर झेलना पड़ा था बिफोर ही वॉज हैंग्ड। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस एंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी इन द ईयर 1929 एंड 1931। अब असेंबली में क्या हुआ था, दो रिवॉल्यूशनरीज भगत सिंह एंड भटुकेश्वर दत्त, इन्होंने क्या किया, एक लीफलेट के अंदर बॉम्ब डाल दिया और ये बॉम्ब इन्होंने फिर जाके असेंबली में फेंक दिया। इनका कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करना, पर इनका इंटेंशन ये जरूर था कि ब्रिटिशर्स को पता चले कि इंडियंस में अब एक रिवॉल्यूशनरी फायर इग्नाइट हो चुकी है, जिसके कारण ये फायर को कंट्रोल करना या स्टॉप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद इनको फिर छोड़ दिया गया, पर भटुकेश्वर दत्त तो एस्केप हो चुके थे। भगत सिंह को फिर से रीअरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स को मारा था, और ये केस को कहा जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब जेपी सॉन्डर्स को मारना नहीं था, भगत सिंह के टारगेट में थे तब जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट क्यों इनके टारगेट में थे, क्योंकि जेम्स स्कॉट रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय ड्यूरिंग लाठी चार्ज, ठीक है। इसमें जो दूसरे इन्वॉल्व थे वो थे सुखदेव राय गुरु एंड चंद्रशेखर आजाद, सॉरी नॉट राय गुरु, इट्स राजगुरु। ये सारे मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के। प्रिजन में जब ये थे भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव और राजगुरु के साथ, वो एक हंगर स्ट्राइक पे गए थे। हंगर स्ट्राइक पे क्यों गए थे, क्योंकि उन्होंने डिमांड किया था कि जेल में प्रिजनर्स की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, प्रिजनर्स को टाइम टू टाइम मील प्रोवाइड किया जाना चाहिए, वो भी न्यूट्रिशन वाला, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे वो इनसे सारा काम निकलवाते थे, इनसे टॉर्चर करते थे, बट वेन इट कम्स टू देयर न्यूट्रिशन लेवल इट वॉज जीरो। तो इनकी डेथ के, ठीक है, अब इनके इम्प्रिजनमेंट के बाद इनको सजा सुनाई गई थी, फांसी की सजा इन मार्च 1931। चंद्रशेखर आजाद को तो उसी दिन मार्टियर किया गया था फेब में, जब उनकी पुलिस के साथ गन फाइट हुई थी इन इलाहाबाद। इलाहाबाद का प्रेजेंट नेम इट्स प्रयागराज, ठीक है। आप सबको पता ही होगा कि चंद्रशेखर आजाद से पुलिस वाले इतने डरते थे कि उन्हें मारने के बाद भी दे चेक्ड एंड दे टच हिज बॉडी आफ्टर 30 मिनट्स टू 1 आवर, बिकॉज उन्हें लगा कि कहीं चंद्रशेखर आजाद इट्स नॉट फूलिंग देम। So here we come to the end of lecture. Here are few questions. Who was the head of Chittorgarh raid on the police armory? Do let me know in the comment section.
consider the following. The conspiracy was for plundering the British government treasury that contains around rupees 8,000. It's regarding Karkuri conspiracy. German made Mauser pistol was used in the robbery. Which of the above are correct statements regarding Karkuri conspiracy? In which place Gaddar party was founded? Who among the following is considered as the grandmother of Indian revolutionary movement? ये हमने पढ़ा है, hint है, ठीक है? Who among the following was a member of Anushilan Samiti? Answer is regarding either B or C. You have to just apply your brain over here. Options को eliminate करना सीखिए. अगर आपको answers नहीं आ रहे तो follow the elimination technique. So it's all for the today's class and it's me Himani Joshi signing off. See you in the next class. Till then, work hard and achieve your dream. Thank you.